हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हमें एक उसके लिए बेस की ज़रूरत होती है, और अगर बेस हमारा परफेक्ट होता है तो हमारी पेंटिंग भी परफेक्ट होती है। तो आज जिस बेस की हम बात करेंगे वो है पेपर। वैसे तो पेंटिंग आप ज़्यादातर देखते हैं कैनवस पर भी होती है, वुड पर होती है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो है पेपर। क्योंकि पेपर एक इम्पॉर्टेंट है, हम जितनी भी ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाते हैं, बिगनर्स होते हैं तो इस्तेमाल जो हम ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम, तो हम पेपर करते हैं, क्योंकि जब हम पेपर पर अच्छी सी पेंटिंग कर सकते हैं तो फिर हम उसके बाद कैनवास या वुड को यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेपर के बारे में। तो पहले आप पार्ट में, आप वीडियो में आप देखेंगे कि हम अपने आसपास अपनी डेली लाइफ में कितने तरह का पेपर यूज़ करते हैं। में आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे पेपर के बारे में कि कितने टाइप्स का पेपर हम अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं। और उसके सेकंड पार्ट की वीडियो में आप देखेंगे कि हम पेंटिंग में, आर्ट में, जितनी भी हम स्केचिंग करते हैं उसमें बेस्ट पेपर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी भी मिलेगी कि हम के मार्केट में या आप किस तरह से इसे पेपर बनाया जाता है, किस तरह का वुड पल्प उसमें यूज़ किया जाता है, कौन कौन से चीज़ों से मिलकर पेपर बनाया जाता है, और किस तरह का पेपर बेस्ट होता है स्केचिंग के लिए, ड्राइंग के लिए और पेंटिंग के लिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किस तरह का आप और टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं हमें ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पेपर थिन नॉन वोवन मटेरियल है जो मिल्ड प्लांट और टेक्सटाइल फाइबर से मिलकर बनता है। पहला प्रिंट मेकिंग प्रोसेस चाइना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इस्लामिक कंट्रीज में और फिर यूरोप में स्प्रेड हुआ। धीरे धीरे पेपर में इम्प्रूवमेंट होने लगे और फिर 19th century में वुड बेस्ड पेपर इन्वेंट हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेपर के बारे में। सबसे पहले एसिड फ्री पेपर। एसिड फ्री पेपर अल्कलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस से बनता है, जिसमें वुड पल्प से लेक्टिन को रिमूव कर दिया जाता है। एसिड फ्री पेपर लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है, येलो नहीं होता है और ख़राब नहीं होता है, इसलिए इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स के लिए किया जाता है। आर्चिबल पेपर, ये भी एसिड फ्री पेपर की तरह ही होता है, इसमें वुड पल्प के बजाय 100% कॉटन का यूज़ होता है और ये भी लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है। आर्टिस्ट पेपर, आर्टिस्ट पेपर वो होते हैं जो ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग, क्राफ्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन पेपर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलेगी। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर इसमें सोखने यानी कि एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है, इसका यूज़ एक्सेस वाटर, इंक या ऑयल को रिमूव करने में किया जाता है। बुक पेपर, इसका यूज़ बुक प्रिंटिंग में किया जाता है। बॉक्स कवरिंग पेपर, इसका यूज़ बॉक्स को कवर करने, गिफ्ट रैपिंग में किया जाता है। सर्कुलेशन एंड कैश रजिस्टर पेपर, इस पेपर का यूज़ कैश रजिस्टर में होता है जो कि ऑफिस या स्कूल में यूज़ होते हैं। चार्ट पेपर, इसका यूज़ भी स्कूल प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कॉपी और कॉपियर पेपर, इसका यूज़ प्रिंटर में किया जाता है प्रिंट करने के लिए। ड्रिंकिंग कप पेपर, जिसका यूज़ डिस्पोजेबल कप्स, ग्लास एंड प्लेट्स में किया जाता है, ये लिक्विड को होल्ड रखता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। एनवेलप पेपर, जो हल्का होता है और इसका यूज़ एनवेलप में किया जाता है। एग्जामिनेशन टेबल पेपर, जो डॉक्टर्स द्वारा यूज़ किया जाता है और एक बैरियर होता है जो बचाता है पेशेंट को जर्म से। फिल्टर पेपर, जिसका यूज़ टी बैग्स में किया जाता है और ये एयर, गैस या वाटर को भी फिल्टर करने में कर सकते हैं। फूड पेपर, इसका यूज़ डिफरेंट टाइप्स के फूड को कवर करने में किया जाता है, जैसे जंक फूड में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ग्रीटिंग कार्ड पेपर, ये थोड़ा हार्ड होता है और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। क्राफ्ट पेपर, ये सॉफ्ट वुड पल्प से बनाया जाता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका यूज़ शॉपिंग बैग्स, ग्रोसरी स्टोर्स में और शिपिंग में किया जाता है। लिटमस पेपर, ये फिल्टर पेपर की एक फॉर्म है जिसका यूज़ लिक्विड के पीएच लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। लूज लीफ फिलर पेपर, जिसका यूज़ स्कूल के होमवर्क या क्लासरूम असाइनमेंट्स में किया जाता है। मैनीला पेपर, मैनीला पेपर सेमी ब्लीच्ड वुड से बनता है और इसका यूज़ एनवेलप्स और फोल्डर्स में होता है। न्यूज़ प्रिंट पेपर, ये ग्राउंड वुड पल्प से बनता है, ये काफ़ी चीप होता है और नॉन ड्यूरेबल होता है, इसका यूज़ न्यूज़ प्रिंट में किया जाता है।
पर्चमेंट पेपर, ये थिन पेपर होता है, इसपे सिलिकॉन की कोटिंग होती है जो इसको नॉन स्टिक बना देती है और ये हॉट होने पर भी जलता नहीं है। स्पेशली इसका यूज अवन द्वारा कुकिंग और बेकिंग में किया जाता है। फोटोग्राफिक पेपर या फोटो पेपर जिसपे लाइट सेंसिटिव केमिकल्स की कोटिंग होती है जो इमेज को प्रोटेक्ट करती है। सैंड पेपर, ये खुरदरा होता है, इसका यूज वॉल मेटल और वुड को स्मूथ करने में किया जाता है। टोबैको पेपर, इसको रोलिंग पेपर भी कहते हैं, ये थिन होता है, सिगरेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। रिसेंटली ये राइस, हैम और ट्रांसपेरेंट सेल्यूलोइड से बनाया जाता है। टॉयलेट पेपर, ये सॉफ्ट और हार्ड वुड के कॉम्बिनेशन से बनता है। वॉलपेपर्स, डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका यूज वॉल को कवर करने में किया जाता है। वैक्स पेपर, इसकी दोनों साइड्स पैराफिन वैक्स से कोटेड रहती है जिससे मॉइस्चर रेसिस्टेंट और नॉन स्टिक क्वालिटी क्रिएट होती है। देखने में ये पार्चमेंट पेपर की तरह ही लगता है, लेकिन इसका यूज हम ओवन में नहीं कर सकते और पार्चमेंट पेपर का यूज हाई हीट पे हम ओवन में कर सकते हैं। रैपिंग पेपर, इसका यूज गिफ्ट रैपिंग में किया जाता है। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के रैपिंग पेपर अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, ये कौन सा पेपर हम ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा पेपर हम ड्राइंग और स्केचिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर जो ड्राइंग स्केचिंग में किया जाता है वो है कॉर्ट्रिज पेपर, ये वुड पल्प से बनता है। कॉर्ट्रिज 130-150 बहुत अच्छा पेपर होता है और ये लगभग सब तरह की ड्राइंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है और गीले मतलब वेट या ड्राई मीडियम जो भी आप यूज़ करना चाहें आप इस पर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स GSM का होता है, GSM का मतलब होता है 1x1 meter इसका वेट होता है, लेकिन आपको ये पता लगाने की नहीं ज़रूरत है कि कितना वेट इसका क्या है, ये सब आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। GSM का मतलब होता है 1x1 meter, इसका जो टोटल शीट का वेट होता है 130-150 GSM यानी ग्राम्स। तो आप उस हर पेपर पे GSM लिखा होता है, तो 130-150 GSM स्टैंड पेपर होता है, आप इसको हर तरह की ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्ट्रिज 180 GSM है जो कि थोड़ा थिक होता है और इस पर जो हैवी ड्राइंग्स हैं शेडिंग वाली हैं उस पर आर्ट वर्क किया जाता है। और थोड़ा सा इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो हमें 200-250 GSM, ये काफ़ी थिक होता है और ग्रेफाइट ड्राइंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और इस पर अगर हम इरेज करते हैं थोड़ा सा जो लाइन वो डिस्टर्ब करती हैं। अब है शुगर पेपर, शुगर पेपर शुगर केन के जो वेस्ट फाइबर्स होता है उससे बनता है और ये काफ़ी चीप होता है। ये जो हम इस पर ड्राइंग्स बनाते हैं ये काफ़ी टाइम के लिए सेफ नहीं रहते, यानी शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, पेपर कुछ टाइम के बाद येलो होने लगता है, लेकिन ये ड्राइंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। वाटर कलर पेपर की कई क्वालिटीज़ होती हैं, कई सरफेस होते हैं, उसके वेट के अकॉर्डिंग भी कई तरह का पेपर मार्केट में आता है और हर आर्टिस्ट अपने पेंटिंग के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करता है। यहाँ हम बताएंगे कि वाटर कलर पेपर किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि उसके कितनी क्वालिटीज़ आती हैं। तो सबसे पहले जो क्वालिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर हाथ से बनाया जाता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होता है ये पेपर। दूसरा है मोल्ड पेपर, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, मोल्ड द्वारा बनाया जाता है और इसमें पल्प वायर सिलेंडर द्वारा प्रेस किया जाता है। अब इसमें लास्ट प्रोसेस होता है मशीन मेड पेपर, जो कि मशीन के द्वारा बनाया जाता है। ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है जिसमें सेल्यूलोइड पल्प इंजेक्ट किया जाता है मशीन में। तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है या फिर बिगनर्स के लिए जो कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सरफेस की, यानी वाटर कलर के पेपर का सरफेस टेक्सचर कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉट प्रेस। हॉट प्रेस पेपर में HP लिखा होता है और इससे हमें पता लगता है कि इसमें जो प्रोसीजर बनाया गया था वो हॉट प्रेस से बनाया गया, यानी जो रोलर्स होते हैं वो थोड़े हॉट रहते हैं, उसको प्रेस किया जाता है। इस तरह के पेपर्स में कलर्स की लेयर्स हम ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, 2 या 3 कलर्स की हम लेयर यूज़ कर सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग कलर को हम नहीं कर सकते हैं। और इस पर लेकिन अच्छा बात यह होती है कि पेपर पर कलर देर से सूखता है तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर कलर जल्दी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम उसको शेडिंग करने में हमें थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। आप इस पिक्चर को देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि हॉट प्रेस थोड़ा स्मूथ होता है, नॉट का मतलब नॉट हॉट, कोल्ड प्रेस इसको कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टेक्स्चर रहता है और जो रफ़ होता है
आप उसका टेक्सचर सबसे ज़्यादा खुरदरा रहता है, ये आप पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। कोल्ड प्रेस पेपर पर सीपी लिखा होता है या फिर नॉट यानी नॉट हॉट। इसमें रोलर कोल्ड होता है जो उसको सेलुलोज पल्प होता है उसको प्रेस करता है, और इस तरह का जो पेपर होता है इससे बहुत जल्दी कलर ड्राई हो जाता है, हमने बताया था। तो ये ज़्यादातर आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं। अब आता है रफ़। जैसा कि इसका नाम है, इसका टेक्सचर काफ़ी खुरदरा होता है और इस पर काम करना बहुत टफ होता है, लेकिन अगर आप लैंडस्केप पेंटर हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है और वॉश पेंटिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मटेरियल यूज़ होता है पेपर मेकिंग में वो होता है सेलुलोज फाइबर, और जो सेलुलोज फाइबर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वह वुड, कॉटन और लिनन। तो जो सबसे अच्छा पेपर वाटर कलर के लिए माना जाता है वो है 100% कॉटन एसिड फ्री पेपर, और जो इसका वेट होना चाहिए वो 300 GSM सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो लाइट वेट होगा, थिन पेपर होगा, तो जो आप कलर करेंगे वो दूसरी साइड निकलने लगेगा, इसलिए इसमें 300 GSM अच्छा पेपर माना जाता है, यानी जितना थिक होगा पेपर तो उतना ही अच्छा वर्क होगा। अब बात करते हैं हम पेपर फॉर एक्रेलिक पेंटिंग। एक्रेलिक पेंटिंग के लिए भी हम कोई भी थिक पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हॉट प्रेस पेपर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कम सोखता है, क्योंकि एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, अगर वो सोखने लगेगा पेपर तो हम उस पर पेंटिंग कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ऐसा पेपर यूज़ करना चाहिए जो थोड़ा थिक हो और हॉट प्रेस हो। अब बात करते हैं ऑयल कलर के लिए हमें कैसा पेपर यूज़ करना चाहिए। ऑयल पेंटिंग ज़्यादातर या तो कैनवस पर होती है या वुड पर की जाती है, लेकिन जब हम बिगनर्स होते हैं तो हम पेपर्स पर करते हैं। तो एक अलग तरह का पेपर मार्केट में अवेलेबल है जो आता है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये एक येलोइश टाइप का रहता है जो फ्रंट साइड, और इसकी जो बैक साइड होती है वो वाइट रहती है। और भी जितने भी हमने सारे ड्राइंग के स्केचिंग के पेपर डिस्कस किए थे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप आसानी से परचेज कर सकें। और आगे हम बताएंगे क्राफ्ट पेपर के बारे में कि कौन से हम क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के पेपर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे पेपर्स फॉर क्राफ्ट वर्क। कार्डस्टॉक पेपर, कंस्ट्रक्शन पेपर जिसको शुगर पेपर भी कहते हैं, क्रेप पेपर कई प्रिंट में आता है, ओरिगेमी पेपर ये भी कई तरह के डिजाइन्स में अवेलेबल है, ग्लिटर पेपर कई शेड्स में आता है, और हैंडमेड पेपर ये भी कई शेड्स में आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।